नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन, ऑनलाइन कंसल्टेंट। आज आपको ट्रांसवर्स माइलाइटिस नाम की बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये क्यों होता है, किनको होता है, क्या कारण है, कैसे पहचानेंगे, कैसे इलाज करेंगे, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप इस बीमारी से सफर कर रहे हैं और अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कृपया कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करें, ठीक है। तो ट्रांसवर्स माइलाइटिस कब होता है, इसका कारण क्या है कि पेशेंट कोई भी हो तो उसको ऐसा होगा कि भाई कुछ समय पहले खांसी जुकाम हुआ था या फिर उल्टी दस्त हुआ या कोई भी इन्फेक्शन के बाद ये डेवलप होता है। अब इन्फेक्शन के कब डेवलप होता है, इन्फेक्शन के हफ्ते भर बाद भी डेवलप हो सकता है या फिर कोई भी बीमारी के 2-3 दिन बाद भी डेवलप हो सकता है। अब इसका कारण मैंने बता दिया, इडियोपैथिक भी बोलते हैं हम। इडियोपैथिक मतलब कारण नहीं पता हो, या कई बार पोस्ट इन्फेक्शियस, या हम ऐसा कह सकते हैं कई बार वैक्सीनेशन के बाद भी, जैसे पोलियो का वैक्सीन वगैरह लगा हो या कोई भी टीका लगा हो उसके बाद ये ट्रांसवर्स माइलाइटिस नाम की बीमारी का डेवलप होना। अब ये सिमिलर होती है गेन-बारे सिंड्रोम के, ठीक है। कई लोग इसको गेन-बारे सिंड्रोम समझ के भी ट्रीट कर देते हैं, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें क्या होगा, पेशेंट को जैसे ही ये होता है तो मैं आपको बताता हूं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, स्पाइनल कॉर्ड ऐसी हो गई गोल, तो अब इसका जो एक सेगमेंट होता है ना वही इन्वॉल्व होता है। इसमें पूरी स्पाइनल कॉर्ड डिफ्यूजली इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ एक सेगमेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड हम गोल वाली मान लेते हैं तो इसका ये एक सेगमेंट ही इन्वॉल्व होगा, ठीक है। रीढ़ की हड्डी का जो एक सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड का, वो एक ही इन्वॉल्व होगा। अब इसमें ये पूरा भी इन्वॉल्व हो सकता है, आधा भी इन्वॉल्व हो सकता है। अगर पूरा इन्वॉल्व हो गया तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसवर्स माइलाइटिस, और आधा पार्ट इन्वॉल्व है स्पाइनल कॉर्ड के एक सेगमेंट का तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल ट्रांसवर्स माइलाइटिस नाम की बीमारी। अब इसमें क्या है कि किस पोर्शन में इन्वॉल्व होता है स्पाइनल कॉर्ड के, भाई सर्वाइकल में हो रहा है, थोरेसिक में हो रहा है, लंबर में हो रहा है या सैक्रम में हो रहा है। अगर सर्वाइकल ये ऊपर के पार्ट में इन्वॉल्व होता है तो डायफ्राम मसल्स को ले लेता है ये, मतलब डायफ्राम मसल्स को इन्वॉल्व कर लेता है, तो वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा पेशेंट को, वो रेस्पिरेशन नहीं आ पाएगा, ठीक है। और अगर ये थोरेसिक वर्टिब्रा को इन्वॉल्व करता है तो अपर लिम वीकनेस, लोअर लिम, ये सब वीकनेस आ जाती है। वीकनेस आने का मतलब क्या है कि मूवमेंट नहीं होगा, बॉडी स्टिफ हो जाएगी, हाथ ऐसे हो जाएंगे, पैर स्ट्रेट हो जाएंगे, मतलब फ्लेक्शन एक्सटेंशन बोलते हैं, ये हो गया अपना फ्लेक्शन या एक्सटेंशन, तो ये मूवमेंट बंद हो जाते हैं, ठीक है। मूवमेंट बंद हो गए, लंबर सैक्रम में हो गया तो पैरों के नीचे का सेंसेशन चला जाता है। कई बार इसमें जो बाउल होता है, बाउल और ब्लैडर, ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली, तो रिटेंशन रहने लग जाता है, मतलब यूरिन रुकने लग जाता है, बाद में यूरिन लीक होता रहता है, लंबे समय तक लीक होता रहता है। और कुछ केसेस में जैसे स्टूल में कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाता है, तो ये ट्रांसवर्स माइलाइटिस के कारण है। ये सारे सिम्टम्स है, डिपेंड करेगा किस रीजन में इन्वॉल्व हुआ, पोस्ट वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीन लगने के बाद, कोई इन्फेक्शन के बाद हो रहा है। अब इसका एक चीज और है, अगर आपको ये जैसे वैक्सीन लगा और पहले दूसरे दिन 48 घंटे में ही हो गया तो अब ये समझ लीजिए ये ठीक भी जल्दी हो जाएगा। जितना लेट ये शुरू होगा उतना लेट इसका रिकवरी होगा, और जितना जल्दी ये आएगा उतना जल्दी रिकवर हो जाएगा, प्रग्नोसिस इसमें अच्छा होता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसवर्स माइलाइटिस के, ये मैंने कुछ सिम्टम्स बता दिया कि भाई यूरिन रुक रहा है, ब्लैडर खाली नहीं हो पा रहा, या फिर कई बार लीक हो रहा है, बूंद 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 यूरिन गिर रहा है, कब्जी वगैरह रह रहा है, कॉन्स्टिपेशन, बॉडी का मूवमेंट चला जाना, अब धीरे 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 इसमें रिकवरी भी आ जाता है। अब बात करते हैं कि इसको डायग्नोसिस कैसे करें। एक होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो मैंने आपको बताया है डिफरेंट सेक्शन में, उसमें माइलिन शीट इन्वॉल्व होती है, पूरा बॉडी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, अलग अलग पार्ट्स का पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं होता। गेन-बारे एक अलग कंडीशन है, वो मैंने आपको अलग वीडियो में बताई है, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट है, इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस, डायग्नोस कैसे करें। डायग्नोसिस आप कीजिए क्लिनिकल हिस्ट्री, सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री लीजिए, पेशेंट बताएगा कि भाई उसको 3-4 दिन पहले उल्टी दस्त हुआ था, उसके बाद ऐसा हो गया, या वो बताएगा कि भाई उसको खांसी जुकाम हुआ था 7-8-10 दिन पहले, उसके बाद से अब ये सारे सिम्टम्स डेवलप हो गए। तो अब इसमें इन्वेस्टिगेशन मैंने बता दिया, CSF एनालिसिस भी ले सकते हैं, मतलब जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, स्पाइनल नेडल लगाएंगे,
पंचर करेंगे सीएसएफ को, फिर उसमें देखेंगे कि क्या है, ठीक है, तो उसके सेल्स वगैरह से आइडेंटिफाई करेंगे। और जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है वो है एमआरआई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एमआरआई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या सीटी स्कैन पे भी जा सकते हैं। तो एमआरआई इज गोल्ड स्टैंडर्ड, तो एमआरआई पे जैसे ही हम जाएंगे तो एमआरआई में हमें दिखेगा ये सेगमेंट जो इन्वॉल्व है, तो उससे हमें पता चलेगा दिस इज अ केस ऑफ ट्रांसवर्स माइलाइटिस। अब इसका क्या है कि टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, टाइम से पहचान जाइए कि, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस साथ में रखिए, जीएन बारे से देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से देखिए, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स माइलाइटिस। अब इसके बाद ट्रीटमेंट की बात आती है, एक्यूट केसेस में प्लाज्मा फेरेसिस का भी रिक्वायरमेंट होता है, और कुछ केसेस में हम हाई डोजेस ऑफ स्टीरॉइड्स भी देते हैं, बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलेगा, पेशेंट का सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे, एक्यूट केस में कैथेटर भी लगा सकते हैं। अब मैं ये बात करता हूं कि किनको होता है ये 10 लाख में 4 लोगों को होता है, ओनली 4 पर्सन आर सफरिंग फ्रॉम दिस ट्रांसवर्स माइलाइटिस, 10 लाख में 4 लोगों को, तो ये रेयर डिजीज हुआ। अब रेयर डिजीज हुआ तो 10 में से भी जो 10 लाख में से भी 4 लोग हैं, उसमें से 3 लोगों को माइनर सिम्टम्स होते हैं, कोई ज्यादा सिम्टम नहीं होते, पर एक काफी सीरियस होता है, एक पेशेंट इज वेरी मच सीवियर। अब मैं बताता हूं उसका रिकवरी कैसे होगा, कैसे कैसे ठीक होता है ये। इसका प्रग्नोसिस अच्छा है, हो सकता है 15 दिन में ठीक हो जाए, हो सकता है 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल में ठीक हो जाए, तो ये डिपेंड करेगा। पर ट्रीटमेंट में जो मेन इन्वॉल्वमेंट होता है वो है लाइफ स्टाइल, एक प्रॉपर डाइट, मसाज, योगा, फिजियोथेरेपी, इन सब का रोल होता है। अब मेडिसिन का भी इसमें रोल है, प्रॉपर मेडिसिन देना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, अगर हाइपोटोनिक ब्लैडर है तो हाइपोटोनिक ब्लैडर को ट्रीट करेंगे, हाइपरटोनिक है तो हाइपरटोनिक को ट्रीट करेंगे। तो ऐसे केसेस हैं मेरे पास ट्रांसवर्स माइलाइटिस के जिनको काफी अच्छा रिकवरी हुआ है, जो मिसडायग्नोज हो गए थे, जिनको गेन-बारे सिंड्रोम समझा जा रहा था, फिर बाद में जब मैंने टेस्ट वगैरह कराया तो पता चला कि ये गेन-बारे नहीं, दिस इज अ केस ऑफ ट्रांसवर्स माइलाइटिस। और जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी आने लगता है, मतलब 1-2 महीना लग जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास आने में लेट हो जाते हैं। और लास्ट में थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको किसी ऐसी बीमारी से सफर कर रहे हैं जो रेयर डिजीज है तो आप मुझे बताएं, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, और अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।